कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेश, नमः दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर बार की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूं लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसा बीतेगा फरवरी महीने का दूसरा सप्ताह, आपके लिए कितना शुभ रहेगा ये सप्ताह ये भी जानेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सितारे आपके लिए क्या कह रहे हैं 10 से 16 फरवरी के बारे में। 10 से 16 फरवरी के बीच ये 7 दिन क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास। हमारे इस वीडियो में हम आपको फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते से जुड़ी सभी खास भविष्यवाणी बताएंगे। हमारी ये साप्ताहिक भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इस राशिफल के माध्यम से आप अपने आने वाले सप्ताह के अपने आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, करियर के क्षेत्र इत्यादि से जुड़ी सभी और सटीक जानकारी पा सकते हैं। आगे आने वाले हफ्ते में अगर आपके जीवन में कोई समस्या आने वाली है तो हम आपको उसका भी समाधान अपने इस वीडियो में बताएंगे। यानी महज कुछ पलों में ही आप अपने आने वाले सप्ताह के बारे में सबसे स्पष्ट जानकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस सप्ताह आपका राशिफल, और आपको बताएंगे कि इस जो है प्रॉब्लम्स जो आएंगे सप्ताह में उससे कैसे निकलना है। एक ज्योतिषीय उपाय भी है, लेकिन शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बता देते कि ये जो राशिफल हम आपको आगे बताने वाले हैं आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जो है पंचांग के साथ। हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय तथ्य जानते हैं सप्ताह क्या है। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तिथि 10 फरवरी से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 16 फरवरी को होगा। इस सप्ताह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी 12 फरवरी को गणेश संकष्टी चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति और 16 फरवरी को सीताष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अगर नजर डालें इस हफ्ते होने वाले गोचर पर, तो सबसे पहले तो आपको जैसा जानते हैं चंद्रमा तो गोचर करता ही है, तो चंद्रमा गोचर कर रहा है इस बार चार राशियों में, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में। इसके अलावा सूर्य देव भी गोचर कर रहे हैं 13 फरवरी को, वो मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 13 फरवरी को। सूर्य को सभी ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य 30 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। ज्योतिष में सूर्य को हमेशा सीधी चाल चलने वाला ग्रह माना जाता है। सूर्य के राशि परिवर्तन से नौकरी पेशा जातकों पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। तो यह हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से जो है तीज त्योहार हो सकते हैं इस हफ्ता में, और उसके बाद कौन कौन से गोचर हो रहे हैं, ये सारी जानकारियां दे दी हैं आपको इस पूरे हफ्ते के बारे में। अब बारी है आपकी राशिफल की। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में सिंह राशि के जातकों के बारे में, यानी लियो साइन के बारे में। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर सिंह राशि से ही हो रहा है, सप्ताह की शुरुआत में ही गोचर होगा। इसके बाद चंद्रमा सिंह राशि के कुंडली के दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर करेंगे, जबकि सूर्य भी आपके सातवें भाव से गोचर कर रहे हैं। इस हफ्ते की शुरुआत सिंह राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा जाने वाली है, क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में आप मानसिक रूप से खुश और शांत रहेंगे। इसके अलावा कुछ विदेशी संपर्कों से आपको मुनाफा होने के भी संकेत है। हालांकि आपको ठंड के मौसम में अत्यधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इस दौरान जरा सी भी लापरवाही से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। इस दौरान आपको सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके दूसरे और तीसरे घर में ही रहने वाला है, जिसके फलस्वरूप सिंह जातकों को इसके अच्छे परिणाम मिलने के आसार हैं। पिताजी के परिवार की तरफ से किसी रिश्तेदार से आपको लाभ होने की उम्मीद है। इसके अलावा आप अपने परिवार पर ध्यान देंगे, उनकी देखभाल भी करेंगे। आप अपने भाई बहनों पर धन खर्च भी करेंगे। आपको किसी अनचाही यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, हालांकि अगर यह यात्रा आपके काम के सिलसिले में होगी तो इसमें आपको सफलता मिलने के भी चांस है। आप में से कुछ सिंह राशि के जातकों के धार्मिक स्थान पर या तीर्थ यात्रा पर जाने के भी योग है। आपके दिमाग में एक साथ कई सारी चीजें और बातें चलने की वजह से आपको किसी नतीजे पर आने में मुश्किल आ सकती है। अगर ये विकल्प आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि प्रत्येक विकल्प के अच्छे और बुरे पहलुओं पर नजर डालें और फिर कोई निर्णय लें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि से आपके चौथे घर में प्रवेश करेगा, जिसके चलते कार्य क्षेत्र पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आपको यही सलाह दी जाती है कि आप केवल अपने काम पर ध्यान दें, फालतू की बकवास में ना पड़े और अपना काम मन लगाकर करें, नहीं तो आपको दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। कुछ सिंह जातक जो हैं
घर जमीन खरीद सकते हैं, वहीं जो जातक अपने घर से दूर रहते हैं वो वापस घर लौटकर भी आ सकते हैं। हालांकि आपकी माता जी के साथ आपके रिश्ते बेहतर जरूर हैं, लेकिन इस सप्ताह के अंत में आपकी नोकझोंक जारी रहने वाली है। अपनी लड़ाइयों को दरकिनार कर अपनी माता की सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस दौरान उन्हें मानसिक तनाव हो सकता है। बात करें चंद्रमा के अलावा, इस हफ्ते जो है सूर्य भी आपके सातवें भाव से गोचर कर रहे होंगे। इस गोचर के प्रभाव से व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को इस सप्ताह थोड़ा मुनाफा हो सकता है। राजा, पिता, राजनीति इत्यादि के कारक माने जाने वाले सूर्य इस समय आपके पिताजी को सफलता और उपलब्धि हासिल कराएंगे। अब नजर डालते हैं सबसे खास सेगमेंट में, यानी कि प्रेम के लिहाज से कैसा रहेगा और वैवाहिक जीवन के। तो प्रेम के लिहाज से इस सप्ताह आपके लिए अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते सिंह जातकों के जीवन में खुशी, रोमांस और आकर्षण की बढ़ोतरी होगी। इस दौरान सिंह जातक अपने पार्टनर के और नजदीक आएंगे, आपके प्यार में भी इजाफा होगा और आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने पर भी सोच विचार कर सकते हैं। वहीं बात अगर शादीशुदा जातकों की करें तो इस हफ्ते पारिवारिक कलह से आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा इस हफ्ते आपके और आपके पार्टनर के बीच आपसी अहंकार और गर्व के मुद्दे पर भी तनातनी चलेगी। इसके बावजूद आप पूरी तरह से अपने पार्टनर के लिए समर्पित रहने वाले हैं। ऐसे में आपको सलाह यही दी जाती है कि सही के लिए बेशक आप लड़े, लेकिन जहां हो सके वहां माफ करने में भी भलाई है। उपाय जान लेते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें लाल चंदन का तिलक लगा दें। ये एक उपाय आपकी परेशानियों को दूर करेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि राशि चक्र की पांचवी राशि यानी सिंह राशि के जातकों के लिए 10 फरवरी से जो है 16 फरवरी के बीच का समय कैसा बीतेगा। तो अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। इसके अलावा जो भी तीज त्योहार है उनकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है वो हमारी वेबसाइट www.associate.com पर जाएं, या फिर आप हमारी मोबाइल ऐप एसोसिएट कुंडली के द्वारा भी अपनी चंद्र राशि पता कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।